जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बोनी तो कराओ। नीतीश बाबू आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49,65,00,000 बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2,00,000,00,000 गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है, कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर अब तक कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीब ही हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर, 25,00,000,00,000 रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25,00,000,00,000 रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर, कोरोना आया, मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई, और मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है, उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया, मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया, और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का।